हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हो कि बाल कितने ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टैंगल हो रहे थे उनके हेयर्स के ऊपर। तो जिसके लिए हम लोग ये पूरा ट्रीटमेंट करने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगी एग्जैक्ट हम लोग क्या ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहले आपको एंटी रेसिड शैम्पू, मतलब शैम्पू आपको 2 से 3 बार अच्छे से कर लेना है, जिससे क्या होता है आपके बालों के जो क्यूटिकल होते हैं वो प्रॉपरली ओपन हो जाते हैं। जब तक आपका प्रॉपर शैम्पू नहीं होगा तब तक आपके प्रॉपर क्यूटिकल ओपन नहीं होंगे, और जो भी हम लोग प्रोडक्ट लगाएंगे इसके बाद वाला वो पेनेट्रेट नहीं होगा। इसलिए हमें अच्छा क्लेरिफाइंग वाला शैम्पू चाहिए, जिससे अच्छे से पोर्स ओपन हो जाए बालों के। उसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्राज़ीलियन केराटिन का थर्मल रिकंस्ट्रक्शन, जिसकी मदद से हम लोग बालों में प्रॉपरली जो भी ड्राइनेस है, आप देख सकते हो हम लोगों ने वॉश किया था 2 से 3 बार और वो इतने ज़्यादा टैंगल हो गए थे उनके बालों में कि हम टैंगल करते करते बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था हमारा। तो आप देख सकते हो 100% ड्राई करने के बाद बालों का ये सिचुएशन था और बाल काफ़ी हद तक ड्राई थे। तो हम लोगों को पहली क्रीम लगाने में बहुत सारी दिक्कत आई। कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आपको प्रॉपरली हल्का सा पानी भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको थोड़ी ज़्यादा लगानी है। और आप पूरे बालों को डिटैंगल करते मत बैठो। अगर आप एग्जांपल पूरे बालों को डिटैंगल करते बैठे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली प्रोडक्ट लगा लेना है वैसे टैंगल वाले बालों को, और फिर कोम करना है, जिससे प्रोडक्ट भी लगेगा और डिटैंगल भी आप साथ के साथ कर सकोगे। तो इसकी मदद से आपको क्या करना है, डिटैंगल भी करना है और प्रॉपरली बालों को इमल्सीफाई भी करना है, जिससे आपका फास्ट एप्लीकेशन हो। बट हमें काफ़ी तकलीफ हुई इनके बालों में जब भी हम लोग ये करते थे, तो जैसे डिटैंगल कर रहे आप देख सकते हो, और क्लाइंट का स्कैल्प इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका था, थोड़ा भी हम लोगों ने पुल किया तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी बालों में। और मेरे ख्याल से इन बालों में टैंगल होने का रीज़न हो सकता है एक तो बोरिंग का वाटर, या दूसरी चीज़ हो सकती है ये प्रॉपरली कोम नहीं कर रहे उनके हेयर्स के ऊपर, क्योंकि अगर बाल ज़्यादा खींच रहे तो उनको लग रहा है कि ज़्यादा कोम कर रहे हो तो मेरा सर दर्द करता है, तो उसके वजह से बालों में प्रॉपरली ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ है। तो उनके जो स्कैल्प है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में आप कोई भी मॉइस्चराइज अच्छा वाला मास्क यूज़ कर सकते हो और प्रॉपर ये ट्रीटमेंट कर सकते हो, जैसे केराटिन, बोटॉक्स या सिल्क प्रोटीन या सिल्क ब्लिस, ऐसा कुछ भी ट्रीटमेंट करके आप बालों को अच्छा सा एक हेल्दी लुक दे सकते हो, जिससे आपके बाल जो है काफ़ी हद तक सॉफ्ट और डिटैंगल फ्री हो जाए। तो आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से हम लोग कोम कर रहे हैं, जितना हो सके कोम करके बालों में प्रोडक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप देख सकते हो। और इसे लगाते लगाते बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऐसे वाले सिचुएशन के बाल कभी कभी मिलते हैं, आप लोगों को भी मिल सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि एक्चुअल स्ट्रगल दिखा रहा हूँ आपको, कि जो भी स्ट्रगल होता है आफ्टर प्रोडक्ट लगाने के बाद वाला, वो स्ट्रगल आपको दिखा दूँ। क्योंकि बहुत लोग बहुत ईजी तरीके से लगाते हैं, बट जब ऐसी सिचुएशन में हेयर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होके प्रॉपर कोम करके प्रोडक्ट को अच्छे से लगाना होता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डैमेज, और हमें एक सेक्शन लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था वहाँ पे, और क्लाइंट को भी इतना ज़्यादा पुल हो रहा था उनका स्कैल्प कि बस पूछो मत। तो ये ब्राज़ील रिकंस्ट्रक्शन है, इसमें आप जो बाल होते हैं उसमें प्रोटीन ऐड करते हो, तो आप लोग जब भी ये सारी चीज़ें करते हो तो ये चीज़ याद रखना है कि आपको प्रोटीन लगा रहे हो। तो क्लाइंट को बोलना है कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेट बाल नहीं होंगे बट मैनेजेबल होंगे, और 30-40% बालों को हम लोग सीधा करने वाले हैं, और बालों में मॉइस्चर और प्रोटीन थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, जिससे बालों में थोड़ी स्ट्रेंथ आए और हेयर थोड़े मजबूत हो। इसीलिए हम लोग ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं बालों में। आप देख सकते हो साइड में वो बंदा निकल रहा था, लेकिन आप देख सकते हो कि टैंगल बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, एक्चुअली ये कोई दिखाएगा नहीं आपको, बट मैं दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल स्ट्रगल क्या होता है। जब भी प्रोडक्ट लगता है कभी कभी ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा होता है। अभी देखो ना केमिकल लगाया है, ना कुछ और प्रोसेस हुआ है बालों में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस देखो डिटैंगल यानी कितनी गूंज हो रही है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई उनके हेयर्स के ऊपर। तो हम लोगों ने तो जैसे तैसे हम लोगों ने बालों में क्या किया, पर पूरा प्रोडक्ट लगा लिया, छोटे छोटे सेक्शन लेके प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने, आप देख सकते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम गया। तो आप भी जब भी करते हो तो ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी डरना नहीं है, अच्छे से कोम करना है और प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। अगर आप डर के मारे प्रोडक्ट ठीक से अप्लाई नहीं करोगे तो फिर वो प्रॉपरली
डिटैंगल नहीं होगा। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरे हेयर्स पे मेरा प्रोडक्ट अप्लाई हो चुका है, कहीं पे भी एक भी बाल हमने छोड़ा नहीं है और प्रॉपरली प्रोडक्ट जितना लगेगा उतना लगाया है। बहुत लोग कंजूसी करते हैं प्रोडक्ट लगाने में, अगर आप प्रोडक्ट ही नहीं लगाओगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप ये प्रोडक्ट पूरा प्रॉपर तरीके से उनके हेयर्स के ऊपर लगाओ और फिर उसके बाद हमें वेट करना है 35 to 40 minutes, और फिर हम उसके बाद हमारा जो आगे का प्रोसेस है आयन वाला प्रोसेस वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो 35-40 मिनट के बाद हम लोगों ने उनके बाल कोल्ड ड्राई से ड्राई किए थे, ज़्यादा हीट नहीं दिया था। अगर मैं हीट देता तो जनरेट होता था प्रोडक्ट और थोड़ा सा आँखों में लगता था वो प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने वही रिस्क ना लेते हुए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रॉपरली कोल्ड ड्राई से ड्राई किया और उसके बाद स्टार्ट किया आयन। एक सेक्शन को कम से कम 15 से 20 बार आपका आयन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका आयन प्रॉपर नहीं होगा तो प्रोडक्ट पेनिट्रेट नहीं होगा और जो 30-40% स्ट्रेट होने वाले थे बाल वो भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, प्रॉपर आयन करो, छोटे छोटे सेक्शन लेके करो। अभी हम लोग 3 लोग मिलके कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम गया था उनके हेयर्स के ऊपर काम करते करते, बहुत ज़्यादा वक्त गया हमारा। तो अभी हम लोग प्रॉपर आयन की तरफ पहुँचे हैं और जितना भी मेरा स्टाफ है हम सब लोगों ने प्रॉपर तरीके से कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर आयन करें और जल्दी हो सके, इसलिए हम लोगों ने 3 आयन मशीन लगाए और फास्ट वर्क कर रहे किया उनके हेयर्स के ऊपर। आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से आयन करना है आपको। आयन करने के बाद आपको पहले मैं नेचुरल वाला रिजल्ट दिखा दूंगा कि कैसे लग रहे थे बाल प्रॉपर आयन होने के बाद, और उसके बाद वाला रिजल्ट दिखाऊंगा विद वॉश होने के बाद वाला रिजल्ट। तो 2 रिजल्ट है इसमें, तो दोनों चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिए। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये है आयन वाला रिजल्ट, इतने सीधे होने वाले नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप बोलोगे कि इतना स्ट्रेट होता है। तो बहुत लोग आपको बताते हैं कि हमारे केराटिन से इतना स्ट्रेट होता है, इतने बाल स्मूथ होते, तो बिल्कुल नहीं होते। 30-40% ही हेयर स्ट्रेट होते हैं, आपको ये बात आपके क्लाइंट को भी हमेशा बतानी है और सब लोगों को सजेस्ट करना है यही चीज़ कि बाल 30-40% स्ट्रेट होंगे। ये आयन वाला लुक उनका परमानेंट लुक रहने वाला, और इसका जो लास्टिंग है वो कम से कम 6 महीने का लास्टिंग है। उसके बाद इसका 3 नंबर का कंडीशनर आता है ब्राज़ीलियन कैडव्यू का, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो मास्क लगाने के बाद आपको कम से कम उसे 5 to 10 मिनट्स रखना है बालों के ऊपर, फिर उसे रिंस करना है प्रॉपरली, और फिर हम इसे नोज़ल लगा के ड्राई कर रहे हैं। बिल्कुल भी आपको नोज़ल निकाल के नहीं करना है और 0 डिग्री पे ड्राई करना है, ऐसा आड़ा टेढ़ा ड्राई नहीं करना है। और ये है उनका फाइनल रिज़ल्ट जो हम लोगों ने वॉश के बाद किया है। उसके बाद हमने ब्लो ड्राई किया और आपको मैं ये रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ आफ्टर ब्लो ड्राई वाला। तो जैसे जैसे उनका बालों में से केराटिन निकल जाएगा वैसे बाल उनके नेचुरल इसमें आ जाएंगे। तो इनको हमने सजेस्ट किया था कि इसका ही सल्फेट फ्री वाला शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है। अगर ये सल्फेट फ्री वाला शैम्पू कंडीशनर नहीं यूज़ करेंगे तो बालों में फिर से डिटैंगल हो सकता है, तो उनको खास ख्याल रखना होगा जब भी वो वॉश करते हैं तभी, और प्रॉपर तरीके से बालों को ट्रीट करना होगा, ज़्यादा खींचना नहीं होगा, बहुत ही जेंटल तरीके से उनको ये सारी चीज़ें करनी होगी, तब जाके ये लास्टिंग ज़्यादा देर टिकेगी। और आपके भी क्लाइंट को यही सारी चीज़ें आपको समझानी है जब भी आप केराटिन ट्रीटमेंट करते हो तभी। थैंक यू।